अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज एक नई रेसिपी के साथ जैनिस किचन में वेलकम। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये शेयर कर दूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आ सके। तो आलू के पराठे जो हैं, असल में ये वेदर डिमांड है, विंटर सीजन चल रहा है तो उसके लिए हमें आलू के पराठे टाइप की डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि सर्दी में ऐसी डिशेस खाई भी जाती हैं। तो आइए मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसमें ऐड हम करेंगे स्वीट पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, क्यूमिन 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। ये पोटैटोज़ हैं जो कि मैंने पहले से ही मैश करके रख दिए थे और इसमें सबसे ज़्यादा मैंने जो ऑप्शनल रखा है वो है चिकन। चिकन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है घर में तो इट्स ओके, आप नॉर्मल आलू के पराठे बनाएं, लेकिन हम ये जस्ट ऑप्शनल रखे हैं क्योंकि एक ये मेरे माइंड में आइडिया आया तो मैंने सोचा आज ये ऐसे बना लेती हूँ। और ये हमारे पास है क्रियंडर और ये हमारे पास मिंट, ग्रीन चिलीज और ग्रीन अनियन और ये पेड़े मैंने पहले से ही पराठों के लिए बना के रख दिए हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है चिकन, ग्रीन अनियन, ग्रीन चिलीज के साथ आप ऐड कर लें मिंट और क्रियंडर लीव। आपने जितना भी अपने घर में पेस्ट बनाना है आपने उसके मुताबिक जो है इसमें चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने तकरीबन ये आधा किलो पोटैटोस लिए, बॉईल करके पहले से रख दिए थे और आपने अपने घर में जितने भी बनाने हैं आप इन्हीं इंग्रेडिएंट्स इसी क्वांटिटी को देखते हुए आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको मिक्स करते हैं। देख रहे हैं कि मैंने रोटी को थोड़ा सा बड़ा किया है, इससे ज़्यादा आपने इसका साइज़ बड़ा इसलिए नहीं करना क्योंकि ये रोटी जब आप तवे पे डालने लगेंगे तो ये फटने शुरू हो जाएगी। हमने आलू का पेस्ट बनाया था, अब हम इसको उसमें डालेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हमने रोटी को लेकर इस पर हमने इसको इस तरह से बंद कर देना और इसको यूँ टैप करना है यूँ करके, ठीक है। इसको अच्छे से आप टैप करेंगे, अच्छे से इसको बंद करेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से बंद ना किया तो आप ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ आलू का पराठा ये खुल जाएगी। देखा कि ये हमने बंद कर दिया बहुत अच्छी तरह से। अब इसको हल्का सा हम इस तरह से करें थोड़ा सा, ये आपकी ऑलमोस्ट थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। तो आप देखें कि हमारा तवा गर्म हो चुके हैं और हमने रोटी को बहुत ही आराम से तवे पे इस तरह से डाल देना है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक ये चीज़ शेयर करूँगी कि हमने तवे पे पहले ऑयल नहीं डाला, पहले हमने इसको ड्राई हल्का सा सेकना है। सेकने के बाद हमने थोड़ा सा हसब ज़रूरत ऑयल डाला है। देख लें हमारी रोटी सेकी गई है और अब हमने इसमें बिल्कुल हसब ज़रूरत थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल ऐड करना, इससे ज़्यादा हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। उसके बाद आप इसको इस तरह से पलट दें, थोड़ा सा राउंड लगाएं। फ्रेंड्स, वैसे मैं अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हाथों से रोटी को चेंज करना, हाथ से रोटी बनाना, और वैसे भी मैं यूज़ टू इन चीज़ों। अरे जो आलू के पराठे हैं वो इंतहाई, इसकी जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये मैदे का आटा नहीं है, ये प्योर देसी आटा है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा रेडिश लुक देगा। हम मैं आपको मैदे के आटे में भी मैं आपको आलू के पराठे बना के बताऊंगी तो वो थोड़ा वाइट लुक आता है। ये हमारे चिकन पोटैटो पराठे इसमें ही है, बहुत ही यम्मी इसकी लुक है। आई होप कि आपको ये पराठा अच्छे लगेंगे और आप इसको घर में ट्राई भी ज़रूर करें, आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ठीक है। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मुझे, और नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ इसी तरह आपके लिए होममेड कुछ न्यू रेसिपी को लेकर आएंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।